सुप्रभात बच्चों, आरपीएस की ऑनलाइन हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे हिंदी और ये आपका पुनरावृत्ति कक्षा है। इस पाठ को हम लोग ऑफलाइन में अपने वर्ग में आप सब पढ़ चुके हैं, मैं इसे पढ़ा चुकी हूँ, तो मैं फिर से इसे पढ़ा रही हूँ और आप सब इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और फिर जितने भी प्रश्न उत्तर है सबको लिख लेंगे। वो आपका होमवर्क है, तो वर्ग 6 के लिए। और यहाँ देखिए, सबसे पहले हम सब शब्दार्थ देखेंगे, तो शब्दार्थ आप सब भी अपनी हिंदी की किताब और कॉपी निकाले और यहाँ देखिए शब्दार्थ क्या लिखा है। समय शीर्षक है आपका, समय नहीं मिला। व्यस्त रहना, काम में लगे रहना। बहुत सारे लोग होते हैं जो हमेशा अपने काम में लगे रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, तो यही हो गया व्यस्त रहना, यानी कि काम में लगे रहना। आगे है बेशुमार, यानी कि बहुत, बेशुमार का बहुत अधिक, जिनका हिसाब न रखा जा सके, जिसका हिसाब नहीं होता उसको क्या कहते हैं, बेशुमार। उसके बाद क्या है, खत यानी कि पत्र, व्यवस्थित ठीक ढंग से और नियमितता, नियम पूर्वक काम न करना। जो लोग नियम से काम नहीं करते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, बिना काम के ही व्यस्त रहते हैं। अफसोस, दुख। बंजर भूमि, जिस भूमि में कोई पौधा न उगता, जिस भूमि में कोई पौधा नहीं उगता है उसे हम कहते हैं बंजर भूमि। प्रयत्न, कोशिश, कोई काम हमसे नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, बार बार प्रयत्न करने से वो काम क्या होता है हमारा, कोशिश करने से काम हो जाता है। या कुदरत, प्रकृति, जो चीज हमें कुदरत से, प्रकृति से प्राप्त होता है, हवा, पानी, सूरज, चंद्रमा, ये सब कुदरती चीज है। कंगाल, जिसके पास बिल्कुल धन न हो। यहाँ शरीक, सम्मिलित, शादी ब्याह में जो आप लोग जाते हैं उसी को कहते हैं शरीक होना, यानी कि सम्मिलित होना। लालसा, इच्छा, हताश, निराशा। सूबा, प्रदेश, राज्य के बारे में हम सूबा है, उर्दू शब्द है। अपवाद, नियम से बिल्कुल भिन्न, हम लोग हिंदी व्याकरण में अपवाद पढ़ते हैं, वही नियम से बिल्कुल जो अलग होता है उसे अपवाद कहते हैं। उसके बाद मुकर्रर, निश्चित, कोई चीज का हम निश्चितता रहता है उसे ही हम कहते हैं मुकर्रर होना। कतार, पंक्ति। जया करना यानी कि बर्बाद करना, हम समय बर्बाद करते हैं, प्राकृतिक ईंधन बर्बाद करते हैं, समझे, तो ये सब होता है जया करने, बर्बाद करना। सदुपयोग, अच्छा उपयोग, किसी चीज का उपयोग, अगर हम, हमारे पास समय है तो उसको हम अच्छे से पढ़ाई में या कुछ अच्छा कार्य में करते हैं तो उसी को हम कहते हैं सदुपयोग। स्फूर्ति, ताजगी, मिजाज, स्वभाव, खुश मिजाज, प्रसन्न चित्त, जब हम लोग प्रसन्न चित्त खुश होते हैं, खुश मिजाज व्यक्ति जो होता है प्रसन्न चित्त। अब हम पाठ को पढ़ेंगे, इस पाठ में जो है शीर्षक क्या पढ़े थे, समय नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसे कुछ काम करने के लिए बात कहेंगे, पूछेंगे, तो वो बहाना बना देता है कि समय नहीं मिला। और ऐसे बहाना कौन लोग बनाते हैं, जो लोग आलसी और कामचोर होते हैं। तो इसमें हुआ कि हमें ऐसे ही कोई कार्य करने का स्मरण नहीं रहता, हमारा स्वयं का ही कोई काम अधूरा रह जाता है, तब हम बचने के लिए एक सरल उपाय ढूंढ लेते, समय नहीं मिला पाठ में समय का सदुपयोग और नियमित जीवनचर्या की सीख दी गई। इस पाठ में हम लोग अपने जीवन को कैसे सही ढंग से बताएं इसे के बारे में हम बिताएं जानेंगे। तो आप सब अपनी हिंदी की किताब निकालिए और कॉपी में शब्दार्थ लिखिएगा और इसको समझ लीजिएगा। मुझे आपका काम याद था पर मैं क्या करूं, बिल्कुल समय ही नहीं मिला, क्षमा करो। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति बहाना में, तो मैं ये काम कर लिया तो मैं याद तो था लेकिन क्या किए, हम समय नहीं मिला। जैसे आप लोग भी बहाना बनाते हैं होमवर्क गृह कार्य के लिए कि समय नहीं मिला पढ़ने के लिए, खैर कोई बात नहीं, और फिर जब कब हाजिर हो, कल इसी वक्त आ जाइए, काम नहीं करके फिर बोले कि कब हाजिर हो, तो कल इसी वक्त आइए, समय मिलने की, समय निकालने की जरूर कोशिश करूंगा, ऐसे अक्सर व्यक्ति बोलते हैं। कुछ इसी तरह की बातें ना मालूम कितने लोगों को सुननी पड़ती है, पर अक्सर कल कभी आया और न ही कभी आएगा महाशय,
काम करने में पूरा वक्त मिला, लेकिन काम जो है वो हुआ ही नहीं क्योंकि व्यस्त रहते हैं। हो सकता है कि वे सचमुच काफी व्यस्त रहते और उन्होंने समय निकालने का प्रयत्न किया, पर ज्यादा था लोग कुछ नहीं करते, उनको उनकी टाल मटोल करने की आदत ही पड़ जाती है। जो लोग सही में काम करते हैं उनको कभी कभी समय नहीं मिलता, लेकिन कुछ लोग कुछ भी नहीं करते वो भी समय न मिलने का बहाना बना देते। आपका पत्र यथा समय मिल गया था, पर इन दिनों बहुत काम रहने के कारण मैं पत्र का जवाब नहीं दे सका, क्षमा करें। इस तरह पत्रों की संख्या भी बेशुमार रहती है। इस प्रकार लिखने का कुछ फैशन हो गया है, पर लोग भूल जाते हैं कि अगर बड़े आदमियों को वक्त न मिलने की वजह से पत्रों का उत्तर देने में देरी भी हो जाती है, तो इसका यह मतलब नहीं कि जो व्यक्ति खतों का जवाब देरी से देता है वह कभी इसी कारण बड़ा बन जाता है। और मेरा तो यह भी अनुभव है कि जो लोग सचमुच बड़े बहुत व्यस्त रहते हैं उनका पत्र व्यवहार बहुत व्यवस्थित रहता है, उनका जीवन नियमित रहता है, रोज उसी समय पर निपटा देते। अगर किसी सज्जन का जवाब मुझे वक्त पर नहीं मिलता तो मैं यह समझ लेता हूँ कि शायद डाकघर की गलती पत्र में देरी से पहुंचा या न पहुंचा हो, फिर महाशय जी का जीवन ही अस्त व्यस्त और ढीला होगा। ये पत्र पढ़कर कहीं इधर उधर डाल देते होंगे और फिर उन्हें जवाब देने का ख्याल अक्सर नहीं रहता है, पर उत्तर देने के वक्त पत्र ही नहीं मिलता। पर यह जो समय न मिलने का बहाना अक्सर अपनी कमजोरी और अनियमितता के ढकने के लिए किया जाता है, किंतु कोई तारीफ की बात नहीं है। समय पर अपमान कर बड़ा बन सकता और नहीं बन सकता, समझिए। इस पाठ में दिया है समय न मिलने का बहाना होता है, अक्सर ऐसे लोग बहाना बनाते हैं जो लोग कामचोर होते हैं, जिसकी जिसको आदत ही नहीं रहती है कि हम समय पर अपना काम को पूरा करें। अगर कोई आपको पत्र लिखता है तो जो व्यक्ति ढीला होता है, जिसकी अपने काम की जवाबदेही नहीं होती, वो पत्र को लेकर के यहाँ तहाँ रख देते हैं और बहुत दिनों के बाद जब किसी व्यक्ति का 5-10 पत्र आ जाता है तब उसके पत्र का जवाब देते हैं। अब जब कभी लिखने बैठे तो उनके पास पत्र नहीं रहता कि मैं उसे क्या जवाब, पहले वाला पत्र नहीं रहता जिससे वो क्या जवाब दिए, तो फिर वो बहाना बना लेता है कि मुझे समय नहीं मिला इसलिए मैं आपको पत्र नहीं लिख सका, और ये बातें बहाना बना करके उसे पत्र लिखता है। और जिनका जीवन व्यवस्थित होता है, उनका जो कार्य है जो निश्चित समय पर होता है, निश्चित समय यानी कि उनका समय निश्चित रहता है कि कब उठना है, कब अपने सारे कार्य, किस समय में कौन से कार्य करने हैं, और जो व्यक्ति बहुत ज्यादा काम करते हैं उनका जवाब समय पर पत्र लेखन या कोई भी कार्य है वो कर लेते हैं और वे बहाना नहीं बनाते हैं कि समय नहीं मिला। अगर वे व्यक्ति ऐसा बहाना बनाते हैं तो सही बात है, सही में उन्हें समय नहीं मिला होगा, वे बीमार पड़ गए होंगे, या फिर अगर पत्र का जवाब नहीं दिया तो हो सकता है कि डाक खाने में देरी हो गई होगी। इस तरह की बातें होती जो व्यक्ति अपना काम सही समय पर करते हैं उनके लिए। और जो भी व्यक्ति समय का अपमान करता है वो कभी बड़ा नहीं बनता है, वो अक्सर जीवन में पीछे ही रह जाता है और हमेशा बहाना बनाते हुए उसका जीवन व्यतीत हो जाता है। एक बार अंग्रेजी के मशहूर साहित्यकार डॉक्टर जॉनसन के पास उनका एक मित्र आया और अफसोस जाहिर करने लगा कि उन्हें धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के लिए समय ही नहीं मिलता। तो अंग्रेजी के साहित्यकार थे डॉक्टर जॉनसन, उनका मित्र आया और उस अफसोस जाहिर किया कि मैं साहित्य धार्मिक साहित्य नहीं पढ़ पाता हूँ। क्यों, डॉक्टर जॉनसन ने पूछा। आप ही देखिए दिन रात मिलाकर के कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, 8 घंटे सोने में निकल जाते हैं, पर यह बात सभी के लिए लागू है, डॉक्टर जॉनसन ने कहा, और करीब 8 घंटे ऑफिस के काम करते सब लोग करते हैं, और बाकी 8 घंटे, डॉक्टर जॉनसन ने पूछा अपने मित्र से, उन्होंने उन्हीं 8 घंटों में खाना पीना हजामत बनाना नहाना धोना ऑफिस जाने का दीदी कितने काम रहते हैं, मैं तो परेशान रहता हूँ। कौन, डॉक्टर जॉनसन के मित्र कह रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं बचता कि मैं धार्मिक साहित्य पढ़ सकूं। तो फिर डॉक्टर जॉनसन क्या करते क्या हो, तो बोला कि 8 घंटे सोता हूँ, 8 घंटे ऑफिस में रहता हूँ, उसके बाद दाढ़ी बनाता हूँ, खाना खाता हूँ, यहाँ वहां आता जाता हूँ, इसी में 8 घंटे समाप्त हो जाते हैं, तब तो मुझे भी अब भूखे मरना पड़ेगा। डॉक्टर जॉनसन ने क्या की गहरी सांस लेते हुए बोले, क्यों क्यों, उनके मित्र पूछा, मैं काफी खाने वाला और उपजाने के लिए दुनिया में 1/4 तो जमीन है, 3/4 तो पानी ही है, संसार में मेरे जैसे करोड़ लोग जिन्हें अपना पेट भरना पड़ता हूँ। जॉनसन ने कहा, पर इतने लोगों के लिए फिर जमीन काफी है। काफी कहाँ, पर 1/4 समय जमीन में कितने पहाड़ है, उबर खाबर स्थान, नदी नादे रेगिस्तान,
और बंजर भूमि, अब मेरा भी कैसे निभ सकेगा भगवान। मित्र महोदय बड़ी हमदर्दी के साथ डॉक्टर जॉनसन को दिलासा देने लगे और उन्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, दुनिया में करोड़ों लोग रहते हैं और उन्हें सदा अन्न मिलता ही रहेगा। फिर हो गया कि मैं बहुत ज्यादा खाने वाला आदमी हूं, और डॉक्टर जॉनसन बोले, उनके मित्र बोले कि मैं बहुत ज्यादा खाता हूं और उपजाऊ जमीन जो है वो कमी है, ज्यादा उसी में भी ऊपर खाब रास्ता है, नदी लाले रेगिस्तान सब है, मैं क्या खाऊंगा। तो डॉक्टर जॉनसन ने दिलासा दिया कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, दुनिया में करोड़ों लोग आए, उन्हें सदा अन्न मिलता रहता है और सदा मिलता ही रहेगा। आप ठीक कहते भाई, पर अगर मेरे भोजन का इंतजाम हो सकता है तो मैं आपको धार्मिक किताब पढ़ने का भी समय अवश्य मिल सकता है, डॉक्टर जॉनसन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। डॉक्टर जॉनसन जो थे उनको बताने के लिए, सबक सिखाने के लिए बोले कि मुझे खाने के लिए नहीं रहेगा, तो उनके दोस्त ने उन्हें दिलासा दिया कि चिंता नहीं कीजिए, धरती पे करोड़ों लोग हैं और उनके खाने की कभी कमी नहीं होने वाला है। तो डॉक्टर जॉनसन बोले कि सच है, तो आपके धार्मिक किताब पढ़ने के लिए भी आपको समय अवश्य निकाल सकते हैं। अंग्रेजी के मशहूर कहावत है, समय धन है, पर असल बात है कि समय धन से कहीं ज्यादा अहम चीज है। हम रुपया पैसा तो कमाते ही है, जितनी मेहनत करें ज्यादा धन कमा सकते हैं, लेकिन हजार परिश्रम करने पर हम 24 घंटा में एक सेकेंड भी नहीं घटा बढ़ा सकते हैं। क्या हम कुछ भी मेहनत कर ले तो पैसा कम, हर चीज कमा सकते हैं, लेकिन समय हम नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर बैंक जवाब दे जाए तो करोड़पति मिनटों में भी मंगा बन सकता है, किंतु कुदरत का इस्तेमाल इंतजाम नहीं बिगड़ता। समय शेयर बाजार की तरह दिन में कितनी ही बड़ा जाए घाटा आता है। धन की दुनिया में अमीर गरीब बादशाह कंगाल का फर्क पर खुशकिस्मती है कि समय के साम्राज्य ऊंच नीच का भेदभाव नहीं, उसके लिए सब बराबर, फिर भी हम उसका महत्व नहीं समझते। समय का महत्व हम नहीं देते हैं, लेकिन समय ऐसा चीज है जिसको हम न घटा सकते हैं न ही बढ़ा सकते हैं। सन 1932 में महात्मा मालवीय जी ने प्रयाग में एक एकता सम्मेलन बुलाया था। देश के बहुत से नेता दूर दूर से सम्मेलन में शरीक होने के लिए पधारे। उत्तर यूनिवर्सिटी में एक विद्यार्थी था, नेताओं के दर्शन करने उनके हस्ताक्षर लेने की लालसा से सम्मेलन स्थल पर जाया करता है। सम्मेलन स्थल नहीं हो सका, उसका कारण था ब्रिटिश सरकार के दांव पे छीते, पर बात यह और भी हमारा ध्यान गया न रहा, समय सुख होने के लिए नेता निश्चित समय पर आया करते थे, पर मालवीय जी की अनुपस्थिति का कारण वे थोड़ी देर राह दे करके तितर बितर हो जाते थे। उन्हें खबर मिलती कि अभी मालवीय जी के आने में 2 घंटे देर है। समय के इस गर्म पाबंद मैंने कई नेताओं को हताश और परेशान होते देखा, कई लोग निराश के बीच में सम्मेलन, अधिकांशतः हमारे देश में नेता लोग जो है ना वो लेट से जाते हैं, तब तक बहुत सारे लोग जो है वो चले जाते हैं और नेता अपने आप को क्या कहते हैं, बहुत बड़े समझते हैं। पर हमारी बद की मित्रता के अनुभव इस देश में इक्के दुक्के नहीं है, करीब करीब सभी सम्मेलनों और सभाओं में इस तरह का अनुभव हमें मिलता है। मुझे राष्ट्रभाषा प्रचार शिष्य में देश के लगभग सभी प्रांतों का भ्रमण करने का मौका, समय तत्परता के समय सुबह कहानी लगभग एक सी ही है। समय के बारे में पूरे राज्य के पूरे देश की कहानी एक सी ही है कि जो समय होता है वहां पे कोई नहीं पहुंचता, अपवाद में कोई व्यक्ति समय पर पहुंच जाता है। आप यह ना समझ बैठे कि हाल हमारे देश की इंग्लैंड और यूरोपियन देशों में भी समय की बर्बादी दिल खोल कर हर देश में यही बात होती है, वहां भी समय वक्त होती है पर लोग समय के पाबंद भी नहीं। लेकिन अगर सिनेमा और थिएटर के टिकट में जाना पड़े तो लंबी लंबी कतार के दृश्य देखते हैं देखने को मिलते हैं और लोग जम करके समय की क्या करते हैं, बर्बादी करते हैं और 2-3 घंटे जो है लाइन में खड़े होकर के सिनेमा की टिकटें पकड़ करते हैं। चिड़ियाघर जाते हैं तो वहां पर भी लंबे लाइन, बूढ़ी जवान स्त्री सभी लोग लंबी लाइन में खड़े होते हैं, टिकट लेते हैं, अब फिर 3 घंटा बैठ करके फिल्म देखते हैं और समय की बर्बादी करते हैं और खुश भी होते हैं। अगर आप अपने समय का पूरा फायदा उठाते हैं तो 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करते, आपको मुबारकबाद। अगर नहीं हो तो क्या अपने जीवन भर घड़ी और तीखी नजर डालकर देखेंगे कि आप कितना वक्त जाया करते हैं, बर्बाद करते हैं और उसका हम सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। तो सुबह से ही क्या करेंगे, जल्दी उठेंगे और अपने सारे कार्य को समय पर निपटारा करेंगे और हम इस वजह से दिन भर अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे,
पर मेहरबानी करके आप कहीं मशीन की तरह भी नहीं बन जाए, मनुष्य की तरह ही बने रहे और मनुष्य की तरह ही अपने जिंदगी के समय को ताल के साथ ताल मिला करके चले। अगर आपने कार्यक्रम में अपने जरा भी लचक रखी और उसे भीतर जाती तो अपना और घर वालों के जीवन सुखी बना सकेंगे, फिर तो शायद आपका मिजाज भी चिड़चिड़ा आ जाएगा, दूसरे लोगों के समय पर जरा भी बात करते हैं नाराज होना शुरू कर देंगे। बस खुश मिजाज रहकर दूसरों को भी निभा कर आप अपने वक्त का जितना अच्छा उपयोग कर सके उतनी ही आपकी तारीफ है। हाँ, कृपा करके जब से ना सके मुझे समय नहीं मिला। श्रीमन नारायण तो डॉक्टर जॉनसन जी थे, उस समय के बारे में इस पाठ में बताए हैं और बोले हैं कि समय पे ही सारे कार्य करने चाहिए और कभी ये नहीं बनाना चाहिए किसी के सामने कि मुझे समय नहीं मिला। तो इस पाठ में हम लोग पढ़े थे समय नहीं मिला, हमेशा सभी लोग इसका बहाना बनाते, तो आप सब इस चीज का बहाना नहीं बनाएंगे और समय पर अपने कार्य करेंगे। इसी के साथ आज का ऑनलाइन कक्षा समाप्त होता है। धन्यवाद।